आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन आप सबको दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ। वैसे तो मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक प्राइवेट टीचर भी हूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और मेरा बेटा जो है 7th क्लास में है। मेरा एक सपना था कि मैं बहुत अच्छी यूट्यूबर बनूं, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियो डालूं, जो मैं आज एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी ये जर्नी, मेरे ये वीडियोस आप सभी को अच्छी लगेंगी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे। देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अच्छी से काफ़ी मेहनत करके अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। और ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान का उसकी फैमिली, हर इंसान को उसकी फैमिली सपोर्ट करे। ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि उसके लक्ष्य को पाने के लिए उसकी फैमिली उसका साथ दे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस जर्नी को, मेरे इस सपने को साकार करने में आप मेरा साथ दें। क्योंकि देखिए, इंसान को कामयाब होने के लिए हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, और ये यूट्यूब की जर्नी जितना हम इजी सोचते हैं उतनी इजी नहीं होती। हमें हर चीज़ की, हर टाइप के लोगों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हों, मतलब किसी भी टाइप के लोग हों, हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, हर कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। हमें ये नहीं देखना कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसका हमें कितना फल मिलेगा। देखिए, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो डालने की, ताकि आप सब को वो वीडियोस पसंद आए। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मेरे डेली लाइफ व्लॉग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सिंपल लाइफ है हमारी, काफ़ी सिंपल लाइफ है। तो मैं एक छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं हम, और कामयाबी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम नेगेटिव तो नहीं सोचेंगे कि हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि नेगेटिव सोच के चलने से हमें कुछ नहीं मिलता है। हम पॉजिटिव ही सोच के चलते हैं कि हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन है, उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी सेफ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने तकरीबन छः सात आलू लिए हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है, ये जो हैं आलू हमारे फटते नहीं हैं। और एक गिलास पानी डाल दूँगी इसमें मैं, और तकरीबन 3 सीटी लगवाऊँगी।
क्योंकि किसी किसी कुकर में 2 सीटी में भी अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन मेरे कुकर में तकरीबन 3 सीटी लगवानी ही पड़ती है। 3 सीटी में अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। और देखिए मेरे जो आलू हैं अच्छे से उबल चुके हैं, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे, तो मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से सैनिटाइज़ करके रख दी है इनको, और सूखने के बाद मैं इसको इनको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छे से वॉश करके पोंछ के इनको फ्रीज में रख दूँगी। और मैंने आटा लगा लिया है, और देखिए अब पराठे बनाने लग गई हूँ। और आप सभी बोलेंगे कि स्लेब पे ही क्यों पराठे बेल रही हूँ।